हरियाणा में बीजेपी के दो सीनियर नेता कृष्णपाल गुर्जर और विपुल गोयल के बीच चल रही पर्दे के पीछे की लड़ाई रामलीला के मंच पर खुलकर सबके सामने आ गई। रावण दहन के दौरान ही मंच पर दोनों के बीच जमकर तू-तू मैं-मैं हुई। अब दोनों नेताओं का करीब 37 सेकंड का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस झगड़े की वजह बना विपुल गोयल का ये संबोधन। जो रावण जलाने के नाम पर राजनीति हो रही है वो जनता भी देख रही है और सब लोग भी देख रहे हैं। तो मैं यहाँ इस मंच से यही कहना चाहूंगा कि जब रावण उसका अहंकार नहीं रहा, रावण भी सोचता था कि मैं मेरे पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता, भगवान राम ने एक ऐसा तीर मारा कि रावण भी धराशायी हो गया। इसलिए इस फरीदाबाद के भाईचारे को बिगाड़ने वाले जो भी लोग हैं वो समझ लें कि जनता के हाथ में बाण है, जनता के हाथ में तीर है और ये कभी भी जब ये चलेगा तो बुराई का नाश करेगा। विपुल गोयल ने इशारों इशारों में बिना नाम लिए गुज्जर पर निशाना साधा। गुज्जर की तरफ से पहले बड़खल विधायक सीमा त्रिखा मंच पर पहुंची और गोयल को जवाब दिया, फिर खुद कृष्णपाल गुज्जर मंच पर पहुंचे और गोयल पर पलटवार किया। कृष्णपाल ने जीवन में कभी राजनीति नहीं की, बल्कि बहुत से लोगों को राजनीति में पकड़कर लेकर आए हैं, उनको राजनीति सिखाई है। जनता को के बीच कृष्णपाल ने कभी राजनीति नहीं की और ना कभी जीवन में कभी कोई ये सुनेगा कि कृष्णपाल गुर्जर ने किसी के साथ धोखा किया, किसी की जमीनों पर कब्जा किया है, किसी के पैसे खाए हैं, किसी को सट्टा खिलाया है, किसी को जुआ खिलाया है। कृष्णपाल गुर्जर ने जीवन में अच्छाई के रास्ते को अपनाया है और जिसका परिणाम मुझे इस क्षेत्र की जनता ने बार बार जिता कर दिया है। जल्द ही ये बयानबाजी बहस में तब्दील हो गई और दोनों नेता जनता के बीच ही एक दूसरे को उंगली दिखाकर अंजाम भुगतने की धमकी देने लगे। दरअसल इस दशहरा मैदान में दशहरा मनाए जाने को लेकर पिछले काफी समय से दो धार्मिक संगठनों में बहस छिड़ी हुई थी, जिसमें से एक पक्ष का नेतृत्व कृष्णपाल गुज्जर कर रहे थे, वहीं दूसरे पक्ष का नेतृत्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल के हाथ में था। लेकिन आयोजन पर विवाद के चलते प्रशासन ने इस दशहरे को मनाए जाने की अनुमति 14 सदस्य कमेटी को दी थी। फरीदाबाद से धर्मेंद्र यादव के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।